हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेड चैनल पे। मैं आपका दोस्त और होस्ट राकेश प्रजापत आपके लिए लेके आ गया हूँ एक बहुत अच्छी नर्सिंग वैकेंसी। आज की जो नर्सिंग वैकेंसी है उसको निकाला है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने, और ये अलग अलग रीजन के लिए निकली हुई वैकेंसी है। आज के वीडियो में अपने ESIC जयपुर और ESIC महाराष्ट्र की वैकेंसी की बात करने वाले हैं, तो एंड तक इस वीडियो मेरे साथ बने रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए। इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप हर डिटेल में बताऊंगा फ्रेंड्स, किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है, कब आपकी एग्जाम होने वाली है, कैसे आप अप्लाई करेंगे और क्या आपका एग्जाम पैटर्न यहाँ पे रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, ESIC जयपुर में पोस्टों की बात करें तो नेम ऑफ पोस्ट है स्टाफ नर्स, पे लेवल 7 CPC का है, पे मैट्रिक्स अच्छा है 44,900 से लेकर 142,400 का पे स्केल है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 93 अच्छी पोस्ट है। इसके साथ ही लैब असिस्टेंट, OT असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट आदि पैरामेडिकल की वैकेंसी है, तो पैरामेडिकल के फ्रेंड्स भी इस वैकेंसी में ज़रूर भाग लें और इस वैकेंसी में भाग लेकर अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ESIC की वैकेंसी इंडिया में सभी नर्सिंग वैकेंसी में सबसे बेस्ट मानी जाती है। जो जयपुर के बाद अपने महाराष्ट्र की वैकेंसी की बात करते हैं कि कितनी पोस्ट महाराष्ट्र में है। फ्रेंड्स, ESIC महाराष्ट्र में भी सेम वैकेंसी निकली है और सेम ही डेट को निकली है, सारी शर्तें भी सेम रहने वाली है। नंबर ऑफ वैकेंसी की अपनी बात करें तो 8 नंबर पे दिया गया स्टाफ नर्स, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 102 वैकेंसी है। फ्रेंड्स, सभी कैंडिडेट्स को जरूर अप्लाई करना चाहिए। इसके साथ फार्मासिस्ट की भी 35 पोस्ट है, साथ ही साथ लैब असिस्टेंट, OT टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन और डेंटल हाइजीन की भी पोस्ट है। और दूसरी जो शर्तें हैं फ्रेंड्स, वो ESIC जयपुर और ESIC महाराष्ट्र की सेम रहने वाली है, तो आगे इस वीडियो में सभी शर्तों के बारे में अपने जानते हैं। फ्रेंड्स, ESIC जयपुर और ESIC महाराष्ट्र में ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे गए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट 21 जनवरी 2019 है। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए JNM BSc नर्सिंग की कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्टर्ड नर्स होना फ्रेंड्स जरूरी है किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। एज की बात करें तो 37 ईयर से ज़्यादा एज के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरे जो फार्मासिस्ट के फ्रेंड्स हैं वो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें और सभी शर्तों को जान लें फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नोट दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है कि ऑनलाइन भरने की जो लास्ट डेट है 21 जनवरी 2019, तब तक आपकी सभी एजुकेशन और अदर टेक्निकल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो OBC के कैंडिडेट को 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, यानी 40 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ SC ST के कैंडिडेट को 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, तो 42 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और फिजिकली हैंडीकैप्ड के कैंडिडेट हैं उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। दूसरी शर्तों की बात करें फ्रेंड्स, तो अप्लीकेशन फ़ीस के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, SC ST PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के जो कैंडिडेट है उनको 250 रुपये की फ़ीस दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको जो 250 रुपये की फ़ीस लगेगी फ्रेंड्स, वो जब आप एग्जामिनेशन देंगे, एग्जाम में अपेयर होंगे, तो वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। दूसरे जो भी कैंडिडेट्स हैं जनरल और OBC के, उनको 500 रुपये की फ़ीस देनी वाली है और ये फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल होने वाली है। फीस का मेथड ऑनलाइन होने वाला है फ्रेंड्स, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से आप फीस पे कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई करना है फ्रेंड्स आपको www.esic.nic.in इस साइट पे जाकर एप्लीकेशन है वो सबमिट करवाना है। आपको थंब इम्प्रेशन, फोटो और सिग्नेचर को स्कैन करना है, साथ ही साथ आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को भी जो भी अच्छी साइन में स्कैन किए हुए हैं उनको भी अपलोड करना है। दूसरी टेक्निकल शर्तों के बारे में बात करें, उससे पहले फ्रेंड्स आपको याद दिलाऊंगा कि आपने अगर अपने चैनल नर्सिंग ट्रेंड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और पास में जो घंटी का निशान आ रहा है उसको दबा लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने फेसबुक पेज नर्सिंग ट्रेंड को भी लाइक और फॉलो कर लें। साथियों, आपका सिलेक्शन यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन के द्वारा होने वाला है, जिसमें 125 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 125 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आपके क्वालिफिकेशन से संबंधित होंगे और 25 क्वेश्चन फ्रेंड्स जनरल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस और अर्थमेटिकल एबिलिटी के होने वाले हैं।
एग्जामिनेशन पेपर फ्रेंड्स दो लैंग्वेज में होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश होगी। साथ ही साथ फ्रेंड्स नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, 0.25% यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। तो सभी साथियों को अच्छी तरीके से यहाँ पे तैयारी करनी चाहिए। फ्रेंड्स दूसरी शर्तों के बारे में बात करते हैं साथियों, तो आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होने वाला है, ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आपको इसमें चॉइस देनी है अपनी जो रीजनल एरिया पहुंच है उसके अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स एक बहुत ही अच्छा नोट्स और सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़रूरी नोट्स ये है कि आप एक पोस्ट के लिए एक रीजन से ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनेशन होने वाला है, रिटर्न एग्जाम होने वाला है, वो सभी का सेम डेट को होने वाला है। एक से अधिक पोस्ट के लिए और एक से अधिक रीजन में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी दोस्त इस वैकेंसी के बारे में जान सके। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।